मुजफ्फरनगर की हिंदू बाहुल्य कॉलोनी भारतीय कॉलोनी में मकान को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें मकान बेचने वाले अशोक और मकान को खरीदने वाले नदीम, इन दोनों के बयान भी अब सामने यहाँ पर आए हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा जो विवाद है एक मकान को लेकर हुआ था, मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति द्वारा। जब हिंदू बाहुल्य कॉलोनी भारतीय कॉलोनी में मकान जब खरीदा गया, तो उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी हंगामा जो है वो वहाँ पर किया। इतना ही नहीं, मकान के अंदर जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे एक पार्टी के, वो भी उनके द्वारा वहाँ पर फाड़ दिए गए थे। और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि इस क्षेत्र के अंदर किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। लोगों का ये भी आरोप था कि मकान के अंदर 30 से 35 लोग यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ रहे हैं। इसका काफ़ी विरोध जो है वहाँ के लोगों ने किया था, साथ ही साथ हिंदूवादी संगठनों से जितने जुड़े जो नेता थे वो भी लगातार पिछले 2-3 दिन से हंगामा यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अब मकान बेचने वाले अशोक नाम के शख्स की भी एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें अशोक साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोग उसको कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्द बोलते थे, जिससे वो काफ़ी अपमान जो है वो वहाँ पर महसूस कर रहा था। मकान पर काफ़ी लोन था जिसको वो चुका नहीं पा रहा था और उस लोन को चुकाने के चक्कर में ही उसका मकान जो है वो बैंक ने जब्त कर लिया था, जिसके बाद नदीम नाम के शख्स ने पहले तो उस बैंक का जो लोन था उसको चुकाया और उसके बाद मकान जो है वो खरीद लिया। नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा, मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा, मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया, उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था, मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था, हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ कहता है यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ लेने के ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फ़ोन आवे था हम पहुँच जाते चाबी ले गए और बहुत से आदमी बगैर फ़ोन करे हमें वहाँ पहुँच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कह में थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों नुको, तो विवादित है। नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी, कोई जोर जबरदस्ती अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये, इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के और बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये तो फ्री में ही जा रहा था। नदीम का भी बयान यहाँ पर सामने आया, नदीम भी कह रहे हैं कि वो पिछले काफ़ी वर्षों से मकानों को खरीदने और बेचने का काम करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये मकान जो है वो आगे बेचने के लिए ही खरीदा था, लेकिन अब जब इस पर विवाद बढ़ा है तो उन्होंने इस मकान को हिंदू समाज के ही एक व्यक्ति को काफ़ी नुकसान से जो है वो यहाँ पर बेच दिया। मेरा जो काम है छोटे मोटे मकानों को खरीद और बेचने का काम है, उन्हें रिपेयरिंग करके उनको मैं खरीदता और बेचता हूँ, और एक मैंने अभी थोड़े से टाइम पहले बैंक से एक मकान नीलाम हो रहा था भरतिया कॉलोनी में मुजफ्फरनगर में, मैंने वो परचेज किया था, उस पर लगभग 80 लाख का लोन था जो मैंने वहाँ पे जमा किया था, ये मकान मैंने बैंक से ले लिया था और वहाँ के मोहल्लेवासियों में या कुछ लोगों को इस चीज़ का ऐतराज़ हुआ। आपने सेल कर दिया मकान? हाँ, वो मकान मैंने परसों सेल कर दिया है। हाँ, जिस समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं उसी समाज के हैं वो व्यक्ति जिनको मैंने सेल किया है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुजफ्फरनगर में इस बात को लेकर कि एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मकान खरीदा है उसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है और लगातार वहाँ पर लोग जो है धरने प्रदर्शन भी करते नज़र आ रहे थे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस बात की चेतावनी जो है वो दी जा रही थी कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर आकर रहेगा या तो वो उसको यहाँ पर रहने नहीं देंगे या फिर वो सब लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो काफ़ी हंगामा जो है इस मकान को लेकर मुजफ्फरनगर में मचा हुआ था और अब जब नदीम ने इस मकान को आगे एक हिंदू समाज के ही व्यक्ति को कहीं बेच दिया है तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अब ये जो गुस्सा लोगों के अंदर था वो कहीं ना कहीं शांत होता नज़र आ रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए विकास कपिल।